पिथौरागढ़ के तवाघाट लिपुलेख एनएच में मलघाट के समीप सड़क बंद होने के कारण मलबा हटा रहे बीआरओ के एक मजदूर के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मजदूर एम्बुलेंस से घायल को अस्पताल लेकर निकले, फिर दोबाट के समीप मार्ग बंद होने से फंस गए। करीब एक घंटा इंतजार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को तवाघाट लिपुलेख एनएच में मलघाट के समीप एकाएक भूस्खलन होने से आवाजाही ठप हो गई। सूचना पर बीआरओ के मजदूर मलबा हटाने को मौके पर पहुंचे। अस्थायी तौर पर कार्यरत मजदूर पांगला निवासी जितेंद्र सिंह, उम्र 46 साल, पुत्र दलजीत सिंह मलबा हटा रहे थे। इस बीच एकाएक पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे, जिसकी चपेट में आकर वो घायल हो गए। मौके पर मौजूद केसर सिंह नरेंद्र सिंह ने बताया कि तत्काल वो निजी वाहन से घायल को लेकर धारचूला के लिए निकले, लेकिन दोबाट के समीप मार्ग बंद होने से वो फंस गए। करीब एक घंटे तक घायल वाहन में तड़पता रहा। इधर तहसील मुख्यालय से घायल को लेने जा रही एम्बुलेंस भी एलधारा के समीप मार्ग बंद होने से 30 मिनट तक फंसी रही। बाद में किसी तरह स्ट्रेचर के मदद से मजदूर को निजी वाहन से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और अस्पताल लेकर पहुंचे। इधर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।